इससे पहले आपने हमारा नूर महल का व्लॉग देखा होगा। नूर महल से निकल के हम फरीद गेट की तरफ गए। वहां से हमने अपना रुख सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर की तरफ किया। ये बहावलपुर का मशहूर फरीद गेट है। ये कदीम बाजार जगह जगह खाने के स्टॉल्स और रोजमर्रा की अशिया से भरा पड़ा है। दोपहर के खाने के लिए हमने एक और जगह का इंतखाब किया। खाना हमने खाया है बहावलपुर रेस्टोरेंट में, अच्छा खाना है। जोहर की नमाज हमने पढ़ ली है जी, अभी हम यहाँ से निकलेंगे नेशनल लाइब्रेरी की तरफ। तो जनाब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी बहावलपुर के पार्किंग में खड़ा ये कदीम इंजन आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये जो रेलवे इंजन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तकरीबन 100 साल पुराना है। ये तकरीबन 1834 से 1902 तक ये चला इंजन, और इसकी जो रफ्तार थी एवरेज वो 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं थी। तो देखिए ये भी एक शाहकार है। आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है ये वुडन फ्रेम की है। इसकी छत, इसकी डिग्गी, इसके दरवाजे तमाम वुडन है। ये गाड़ी 1930 से 1935 के दरमियान तैयार की गई। आपको लाइब्रेरी के अंदर का दिखाते हैं। ये जी लाइब्रेरी की एंट्रेंस है, सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर। यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से 6:30 बजे तक, और संडे को ये क्लोज होती है। सेंट्रल लाइब्रेरी को सादिक रीडिंग लाइब्रेरी भी कहा जाता है, क्योंकि 1924 में नवाब सादिक ने इसकी बुनियाद रखी, और इसका शुमार एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में होता है। ये लाइब्रेरी का मेन हॉल है। ये तो
तकरीबन 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है। इसका आर्किटेक्चर देख के ही अंदाजा हो रहा है। इस इमारत को रॉयल बिल्डिंग के तर्ज पे बनाया गया है। हर तरफ बुक्स ही बुक्स, साइंस की, तालीम की, बायोलॉजी, इस्लाम। एक अंदाजे के मुताबिक यहां किताबों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है और हर तरफ बुक्स ही बुक्स हैं और इतनी खामोशी है यहाँ, जैसे कि लाइब्रेरी का माहौल होना चाहिए। ये रिसर्च रूम्स हैं, यहाँ लेफ्ट राइट केबिन्स हैं। ये केबिन है जी आपका, इसमें कुर्सी है, टेबल है, यहाँ बैठ के सकते हैं। बाहर इसके नंबर लगा हुआ है। अभी हम इस वक्त सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी वैरायटी देखी है बुक्स की, और डिफरेंट किस्म की बुक्स, बहुत पुरानी से लेके बहुत नई बुक्स हमें यहाँ पर देखने को मिली, बहुत से ज़बानों में बुक्स देखने को मिली, और हर टॉपिक पे आपको अनगिनत बुक्स, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैथ्स हो, आर्ट्स हो, कल्चर है, हिस्ट्री है, हर किस्म की बुक जो है यहाँ पर मौजूद है। और बड़ा अच्छा लगा देख के, पुरानी बुक्स देख के ख़ास तौर पे, कि इतनी पुरानी इन्हें प्रिजर्व की हुई हैं। और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ है ये चीज़ देख के और सुन के भी, कि ये 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है पाकिस्तान में बहावलपुर में, जो इतनी बड़े एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मौजूद है। सकती है किसी भी किस्म की आपने तालीम हासिल करनी हो या कोई नॉलेज आपको चाहिए हो किसी भी मामले में, आपको यहाँ पर आराम से बुक जो है वो मिल सकती है। आज हम यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में आए और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी बनी होगी। ये 100 साल पुरानी है, लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट का इतना अच्छा इंतज़ाम है कि जहाँ बुक्स को इतने अच्छे तरीके से रखा गया है और इस तरह मैनेज किया गया है, कि मुझे बहुत हैरत हुई। हर टॉपिक के अंदर यहाँ बुक्स है, आर्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इकनॉमिक्स, हर तरह का आपको यहाँ पर बुक्स की वैराइटी मिलेगी, और बहुत अच्छी हालत में और बहुत ही अच्छे इनने सारा सिस्टम रखा। ये लाइब्रेरी का इंडेक्स है, समझे, कहाँ कौन सी किताब है उसका सारा हिसाब यहाँ रखा हुआ है। बहुत मज़ा आया जी। हम बहुत से पब्लिक पार्क्स को देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखते हैं, तो लाइब्रेरियों की तरफ हमारा रुझान कम है, और इसकी शायद बड़ी वजह मोबाइल का होना और उस पर चीज़ों का अवेलेबल होना। लोग किताब से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, लेकिन जो किताब पढ़ने वाले हैं उनका जो किताब को पढ़ के उससे इल्म को लेना जो है, वो अब भी उसको लोग पसंद करते हैं और उस शौक़ को अभी भी लोग जारी रखे हुए हैं।
सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जब भी आप नूर महल विजिट करने आए हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनका भी जो ताल्लुक़ है किताब से जुड़ जाए। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा है, मज़ा आया देख के, और आप भी यहाँ जब आएंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। सबको मज़ा आया, आप आएंगे आपको भी मज़ा आएगा।